प्रयोग समाज सेवी संस्था के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ग्राम गट्टाशिल्ली में किया गया। प्रयोग समाज सेवी संस्था के पदाधिकारी उत्तम साय के द्वारा ग्रामीणों को कौशल विकास योजना, राशन कार्ड, श्रमिक पंजीयन कार्ड सहित विभिन्न उपयोगी शासन की योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। वहीं इस अवसर पर सखी वन स्टॉप सेंटर महिला बाल विकास विभाग धमतरी की केंद्र प्रशासक श्रीमती उषा ठाकुर ने ग्रामीणों को सखी सेंटर की कार्यप्रणाली की जानकारी देकर बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर 24 घंटे चलने वाली संस्था है, जहां पर महिलाओं एवं बालिकाओं की सहायता के लिए शासन के द्वारा बनाया गया एक शासकीय संस्था है, जहां पर सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही छत के नीचे FIR हेतु पुलिस सहायता, चिकित्सा सुविधा, विधिक सुविधा, मनोवैज्ञानिक परामर्श सुविधा, कानूनी परामर्श एवं 5 दिन तक आपातकालीन अस्थायी निवास की सुविधा के अलावा कानूनी सलाह व उचित मार्गदर्शन पीड़ित महिलाओं को दी जाती है। उन्होंने आगे बताया कि इस संस्था से कोई भी हिंसा से पीड़ित महिला टोल फ्री नंबर 181 के माध्यम से या सीधे सखी वन स्टाफ सेंटर पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कसिल्ली में प्रयोग समाज सेवी संस्था द्वारा हमें आमंत्रित किया गया था और इन महिलाओं को उनके कानून अधिकारी के बारे में जानकारी दी और सखी वन स्टॉप सेंटर से मिलने वाली 5 सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई और महिलाओं जागरूक हुए हैं और इन्हें भी जो भी प्रश्न पूछे, जिनको भी प्रश्न पूछना था और जो पीड़ित थे उन्होंने अपना प्रश्न रखा और अपनी परेशानी रखी। परेशानी को दूर करने के लिए हमने उनका हल भी बताया है और परेशान होने पर सखी वन स्टॉप सेंटर का में आके अपना आवेदन दर्ज कराने के लिए भी कहा और महिला हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी जानकारी दी गई, ताकि लड़कों के साथ साथ बेटी का भी वैसे ही पालन पोषण करें और उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, ताकि भविष्य में अगर वो किसी परेशानी में आती है तो किसी के सामने वो हाथ न फैलाएं। जब से सखी वन स्टॉप सेंटर खुला है तब से लेकर हम लोग शिविर करते हैं ताकि महिलाओं को सखी वन स्टॉप सेंटर और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, महिला बाल विकास विभाग की जितनी योजनाएं हैं, उनकी जानकारी हो और जरूरतमंद महिलाएं उसका लाभ ले पाए। हम लोग सर प्रयोग समाज सेवी संस्था तिलदा से है, इसमें एक क्षमता विकास परियोजना के अंतर्गत काम कर रहे हैं। राशन कार्ड है, पेंशन है और श्रमिक विकास श्रमिक पंजीयन कार्ड है, कौशल विकास के अंतर्गत जितने भी ट्रेड हैं गांव में, जितने 5वीं पास से लेकर 12वीं जितने भी बेरोजगार युवक हैं उनको और जितने किसान हैं जो मछली पालन है और मुर्गी पालन है, ये संबंधित कौशल विकास के अंतर्गत आता है। ये सब किसानों को युवाओं को चिन्हांकित करके ट्रेड अनुसार प्रथम अरोरा क्रूड है, आरसीटी धमतरी है और लाभंडी रायपुर है, जिस पर हम किसानों को और युवाओं को लेकर प्रशिक्षण दिलवाते हैं और स्वरोजगार की ओर उसको अग्रसित करने की दिशा निर्देशित हमारे प्रयोग समाज सेवी संस्था केंद्र द्वारा किया जाता है, जो उसी के अंतर्गत आज एक इंटरफेस डायलॉग के अंतर्गत श्रम विभाग है, अभी राशन फूड फूड विभाग है एवं न्यायिक विभाग है, जिसको बाल विकास बाल महिला बाल विकास विभाग, ये सभी को आमंत्रित करके संबंधित क्षेत्र की जनताओं को बुला करके उनके द्वारा बताए गए शासन की योजनाओं को विस्तार से उस पब्लिक को समझाएं और समझे पब्लिक, और जहां कोई पर भी कुछ त्रुटियां हैं जिसको पब्लिक नहीं समझ पाते हैं उसको रूबरू होकर शासन की योजनाओं को लाभ लेने के लिए तत्पर रहे, यही हमारी प्रयास रहता है।